हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट एम एन एस टारगेटिंग एम एन एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो दिस इज़ वो पार्ट इतने दिन से हम लोगों ने सिनोनिम्स के अराउंड फाइव टू सिक्स वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे वो सारे कवर किए आज हम लोग वो करेंगे अब कुछ दिन तक वो सेक्शन ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ पैट्री आर की पैट्री आर की पैट्री इज़ अ रूट वर्ड ठीक है पैट्री का मतलब होता है कोई भी मेल और वी कैन से फादर ठीक है पेट्री मतलब होता है सिस्टम विच इज़ रन बाय द मेल हेड ऑफ द फैमिली ठीक है कौन सा सिस्टम फैमिली हो सकता है या कोई ऐसा कम्युनिटी हो सकता है जो जिसका जो हेड है वो मेल है ठीक है तो उस कम्युनिटी को बोलेंगे हम लोग क्या पैट्री आर की अ सिस्टम विच इज़ रन बाय द मेल हेड ऑफ द फैमिली नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट इज़ पैटर्नल इसमें भी पैटर है पी ए टी ई आर ठीक है तो ये भी फादर रिलेटेड होता है पैटर्नल मतलब रिलेटेड टू फादर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर बोलने के बजाय हम लोग ये बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब या पैटर्नल पैटर्नल ग्रैंड फादर मतलब दादाजी और मैटर्नल अगर होता इसका जो ऑपोजिट वी कैन से मैटर्नल अगर होता दैट इज़ मॉम के ग्रैंड फादर ठीक है मॉम के पापा दैट इज़ नाना जी आगे चलते तीसरा वर्ड है हमारे पास एफोरिज्म एफोरिज्म इज अ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट वर्ड अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ जनरल ट्रूथ कोई जनरल सच्चाई है उसके बारे में अगर आप छोटा सा अगर एक्सप्रेशन देते हो उस चीज़ पे या इम्फोसाइज करते हो दैट इज़ नॉन एज एफोरिज्म क्या कहते हैं उसे एफोरिज्म इम्पोर्टेंट वर्ड फोर्थ वर्ड है एपोलोजियन हम बोलते हैं ना आई अपोलोजाइज ठीक है अपोलोजाइज मतलब आई एम सॉरी फॉर दैट तो अपोलोजियन कौन होता है जिसने आई एम सॉरी बोला वो अपोलोजियन हो गया वन हु रेग्रेट्स या जिसको फील हुआ कि किसने गलती की अफसोस रेग्रेट्स मतलब अफसोस उसे हम बोलेंगे अपोलोजियन नेक्स्ट कॉटिल कॉटिल मतलब होता है कॉजन और बी केयरफुल ठीक है मतलब वी कैन से डेंजर ऑल्सो वी कैन से केयरफुल रहना कॉटल रहना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके सिनोनिम्स में के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है सिक्सथ वर्ड इसी का है ठीक है ये रूट वर्ड जहाँ पे भी सी ए यू टी सी ए ये दिख जाए दैट वर्ड मस्ट बी फॉर केयरफुल ठीक है केयरफुल के लिए ही है वो वर्ड क्वार्टिलियस Caut भी होता है क्वार्टिलियस का मतलब भी केयरफुल ही होता है ठीक है रूट वर्ड से आप याद रखें रूट वर्ड से क्या होता है वो कैबलरी आपकी बहुत अच्छी इंक्रीज हो जाएगी आगे चलते हैं सेवन्थ वर्ड इज कॉस्टिसाइजेशन कॉस्टिसाइजेशन कॉस्टिक मतलब ही होता है कुछ बर्न होना ठीक है कॉस्टिक का मतलब ही क्या होता है बर्निंग से रिलेटेड है तो जहाँ पे भी कॉस्टिक दिखे तो साइजेशन मतलब द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बर्न ऐसा नाटक करना कि आप किसी चीज़ को जला रहे हो ठीक है ऐसा नाटक करके दिखाना द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बर्न किसी चीज़ को जलाना ठीक है दैट इज कॉस्टिसाइजेशन नेक्स्ट होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट होलो मतलब पूरा होलो मतलब पूरा वॉल, ठीक है एंड कॉस्ट मैंने बताया रिलेटेड टू फायर तो पूरा का पूरा टोटल डिवास्टेशन पूरा जितना भी बर्बादी हुई है स्पेशली बाय फायर आग की वजह से हुई है इसलिए हम उसे होलो कॉस्ट कहते हैं क्या कहते हैं होलो कॉस्ट टोटल डिवास्टेशन स्पेशली बाय फायर ठीक है नाइन्थ जो वर्ड है दैट इज बेलीजरेंट इम्पॉर्टेंट वर्ड बेली का मतलब होता है होस्टली रेडी टू फाइट वो तैयार है लड़ने के लिए हमेशा लड़ सकता है आपसे दैट इज बेली जेरेंट क्या बोलेंगे उसे बेली जेरेंट नेक्स्ट टेंथ वर्ड एमोर अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ड एमोर मतलब गॉड ऑफ लव ठीक है प्यार के देवता या भगवान गॉड ऑफ लव और जो किसी चीज़ को डेडिकेट किया गया मतलब लव को कोई चीज़ अगर डेडिकेट की गई उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एमोरिस्ट ठीक है या फिर अगर कोई पर्सन है हु यू नो राइट्स अबाउट लव तो उस पर्सन को हम लोग एमोरिस्ट कह सकते हैं बिकॉज उसने अपने आप को डेडिकेट कर दिया है लव को तो एमोरिस्ट ठीक है एमोर एंड अमॉरिस्ट ब्यूटिफुल वर्ड्स रिपीट कर लेते एक बार सारे वर्ड्स आगे से पैट्री आर की पैट्री इज़ द रूट वर्ड इट मीन्स मेल मेम्बर और वी कैन से रिलेटेड टू फादर सिस्टम विच इज़ रन बाय द मेल हेड ऑफ़ द फैमिली इज कॉल्ड पेटरियार् पेटर्नल रिलेटेड टू फादर कोई भी चीज़ फादर से रिलेटेड है पेटर्नल मदर से रिलेटेड है मेटरनल तीसरा वर्ड हो जाएगा एफोरिज्म अ शॉर्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ जेनरल ट्रूथ कोई भी जनरल ट्रूथ फिर फोर्थ वर्ड है अपोलोजियन अपोलोजियन मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ समन इजोलाइज ऑपोलॉजाइजिंग यू दैट मीन्स

कुछ जला देना ऐसे कॉस्टिसाइजेशन कर देना होलो कॉस्ट होलो मतलब होता है पूरा वोल ठीक है होलो मतलब हो गया वोल कॉस्ट मतलब होता है अगेन फायर या बर्निंग से रिलेटेड तो टोटल जितनी भी डिवास्टेशन हुई है जितनी भी आप बर्बादी हुई है स्पेशली बाय फायर आग की वजह से दैट इज नॉन एज होलो कॉस्ट बेलीजरेंट बेलीजरेंट होस्टली रेडी टू तो फाइट ईजी वर्ड बेलीजरेंट 10th word a beautiful word amor amor means god of love or the one or the thing or a person who is dedicated to love is known as amorist known as amorist one dedicated to love and love making specially one who writes about love is amorist so, these are the words for today in the vocabulary section. Thanks for watching. Please like, comment in the comment section if you like this video. Share it to the friends who are preparing for MNS. And if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Okay? Thank you so much. Keep supporting.